आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आवाज हिंदी न्यूज। जमुई जिला झाझा से बलजीत पासवान एवं अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। खैरन गांव में 15 साल से जमीन विवाद मामला में मारपीट कर सर फाड़ने का मामला झाझा थाना पहुंचा। झाझा क्षेत्र के बजला पंचायत के खैरन गांव में 15 साल से जमीन विवाद मामला में मारपीट कर सर फाड़ने का मामला झाझा थाना पहुंचा। इस दौरान बताया गया कि जमीन का कागज विजय यादव स्वर्गीय पिता सुखदेव यादव का है और ये मामला 15 साल से चल रहा है। इसमें बड़ा बाबू और अमीन साहब सरपंच साहब जमीन नापकर जमीन हमें दे दिया, उसके बाद भी हमें चापाकल से पानी नहीं भरने दिया जाता है और जबरन चापाकल और जमीन पर कब्जा किया गया है। जमीन के पास चापाकल पर बबूल का कांटा बांध दिया गया और जब मेरा एक छोटा बच्चा बबूल का कांटा खोल दिया तो गाली गलौज मारपीट करना शुरू कर दिया। देव यादव, ये तीनों मिलकर आपके माथा पे टांगी से वार किया, टांगी से या मुंह पर पत्थर से किया है। आपकी आपके माथा पे किस चीज से वार किया? टांगी से वार किसने किया? ये अशोक यादव। पत्थर से किसने मारा? ये केशव यादव, ये बूढ़ा है, ये फरके से पत्थर चलाया है। आप परमदेव यादव टांगी से मारा, आपके माथा पर फाड़ दिया? माथा पर फाड़ दिया है। उसके बाद जब आप थाना गए तो थाना अध्यक्ष आपको क्या आश्वासन दिया और क्या बोले? थाना हमको कागज बोला कि दे दीजिए लिखवा के आवेदन, उसके बाद में चल जाइए। हम कागज लगा के थाना में दे दिए, शाम हो गया, हम चल गए। तो यहाँ पे इंक्वायरी कराने के लिए हॉस्पिटल आपको नहीं भेजा गया? हाँ भेजा दिया है। पहले थाना एक पुलिस ने गया, हमको उठा के लाया, यहीं लाके छोड़ दिया। यहाँ आपको एक सिपाही इंक्वायरी के लिए छोड़ दिया और इसके बाद यहाँ इलाज हुआ आपका? इलाज हुआ, उसके बाद देरी से हुआ, देरी से रिपोर्ट लेके आपके यहाँ आने के बाद कितना देर के बाद आपका इलाज शुरू हुआ? 6 बजे आए हैं हम लोग को, रिपोर्ट एक घंटा लग गया हमको सब फुल बात। आपको इलाज होने के क्रम में 1 घंटा विलम्ब हो चुका था, उसके बाद आपका इलाज हुआ। क्या डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं थे? अपने ड्यूटी में नहीं थे क्या? डॉक्टर साहब का साइड में था, उसको फिर खोज के हमारे फैमिली लाया, तब हमको इलाज किया। आपका घर कहाँ है? हमारे घर खैरन पड़ता है। कौन सा पंचायत है? बजला पंचायत है। थाना कहाँ है? जाजा। पोस्ट ऑफिस? दुबा उड़ा। थोड़ा जोर से बोलिए। रोड पर खड़े थे, वो रोड पर ना वो लोग जो मारा है चार पकड़, तो मेरा पैर में लाग चुका है, जूस लेकर के कट गया है, कट गया। हम तो कुछ नहीं, हम तो बुढ़ापा आदमी, लाठी डांटा कुछ हम देखने वास्ते, मेरा भतीजा था, इसलिए आयरन पड़ता है। 15 महीना सती हमको जैसे काला चप्पू डंटी जो पकड़ के चलाता है पानी पीने वाला, उस पर ने बबूर के कांट नान करके झाड़ पाट नान करके धर दिया, जो कि मेरा जमीन है। बड़ा बाबू ने अमीन दिया है दोनों के एको को चलाने के लिए, अमीन भी चलवाया, बड़ा बाबू बेचारे चलवाने को बाद ने जैसे दूध पूजा करके आया दोनों अमीन, तो बोला कि एगो सरपंच अमीन रखेगा, जिसमें ने कि सरपंच 70 गो अमीन पहले चलाया था, उसमें ने सरपंच को बोला कि एक अमीन फिर आप लेकर के एक मुश्किल बना करके आवे। उस सरपंच ने जोड़े में रहा, नापी करवाया, तीनों अमीन ने दिन भर नापी किया, सांझ को 5 बजे ने पूछा है उसको कि कैसा नापी हुआ है, तीनों अमीन ने बोला है कि बिल्कुल ठीक हुआ है। मेरा पार्टी को ने विकास को ने पूछा है अशोक यादव को कि कैसा ही नापी आया, उसने आदमी ने बोला बहुत अच्छा, हमको न एक बीता एक हाथ फर्क में आर से रहा है। हमको पूछा है कि कैसा नापी आया, हम बोले कि बाबू बहुत अच्छा है, मेरा इंदिरा आवास आया है कॉलोनी कचनी भीतर में हम बना रहे हैं, जांच पड़ताल अभी भी जा करके कर सकता है। मिस्त्रियों को ने बोला कि गोली मारेंगे, मिस्त्रियों के ने जिस जगह बुलाएगा उस जगह आ करके गोली को आवाज मिस्त्री ने बोलेगा कि हमको ने गोली को आवाज बोला है, तब ने हम भागे, तब ने हम थाना आए। सरपंच ने कागज बना को दिया है, क्या लिख के दिया है पंचायती जब किया कि महेंद्र यादव ने अपने जमीन में घर बना रहा है, मेरे पास कागज सरपंच को मौजूद है। उसने व्यक्तिगत मेरे बच्चा 8-9 साल को है, उस बच्चा ने सुबह में उठा
कूलर करने के लिए कल पर गया, बगुर के कट्टा ने नान करके धर दिया। वो बच्चा ने बगुर के कट्टा बहुत छोटा है, अभी जैसे ज्यादा बड़ा नहीं, वो बच्चा के भी पूछ सकता है। वो बच्चा ने काट को दिया हटाए, वो ने जैसे सभी सम्मत कर लिया। अशोक यादव, केशव यादव, विनेश